अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद याहया एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर। सो टुडे वी विल डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर दैट रिलेट्स टू आवर डेली लाइफ। सो दिस इज द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स वी वर लर्निंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू दिस ऑनवर्ड्स। सो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट कैपेबिलिटीज, जो सबसे पहली है वो है स्पीड। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा फास्टर देन एनी अदर मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अ सिमिलर टास्क। कोई भी मशीन या कोई भी ह्यूमन हो, वो उतनी जल्दी उतनी तेज़ी से डाटा प्रोसेस नहीं कर सकता जितनी तेज़ी से कंप्यूटर कर सकता है। नेक्स्ट, रेपिटेशन। इंसान क्या होता है कि कोई काम करते हैं, बार बार करते हैं तो थक जाते हैं या और बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर का मामला अलग है। कंप्यूटर ना बोर होता है ना थकता है एक ही काम बार बार करने से। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहते हैं कि कोई भी जो आपका रिजल्ट है वो कितना एररलेस है, कितना उसमें जो उसका जो रिजल्ट है कितना वो ट्रू रिजल्ट से कितना करीब है उसके, यानी एरर उसमें कितना कम है। तो कंप्यूटर जो भी डाटा प्रोसेस करता है उसका जो रिजल्ट होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। ह्यूमंस जो होते हैं उनका प्रोसेस डाटा, उसमें एरर्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एरर हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है, हो सकता है, होता है। द नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेशंस। द कंप्यूटर कैन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सेम सम कंडीशंस एंड टेक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली। यानी कि कंप्यूटर को हम कुछ कंडीशंस दे दें और उनको बता दें कि उसने अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये करना है, अगर ना हो तो ये करना है। तो इस सेंस में कंप्यूटर जो लॉजिक्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर फॉलो कर सकता है बजाय किसी और मशीन के या किसी और ह्यूमन के या पर्सन के। तो ये भी कंप्यूटर की एक काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है। द नेक्स्ट इज स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के पास एक कैपेबिलिटी ये है कि वो जो भी डाटा है अपने पास स्टोर कर लेता है और जब उसको दोबारा एक्सेस करना चाहे तो फौरन से रिकॉल भी कर लेता है। इंसान क्या होता है, इंसान की मेमोरी में कोई बात स्टोर तो हो जाती है लेकिन वो भूल जाता है, दोबारा रिकॉल करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि याद नहीं आ रहा, लेकिन कंप्यूटर के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, वो फौरन से उसको रिकॉल करके हमारे सामने ले आता है। द नेक्स्ट इज सेल्फ चेकिंग। कंप्यूटर डाटा जो प्रोसेस डाटा है उसको तो खुद से चेक भी कर सकता है। हम कंडीशन बता सकते हैं और कंप्यूटर उन कंडीशन के ऊपर उसी डाटा को चेक कर सकता है कि ये जो प्रोसेस डाटा है क्या उसका रिजल्ट ठीक आया है या नहीं आया है। इसी तरह नेक्स्ट है सेल्फ ऑपरेटिंग। वंस द डाटा इन प्रोग्राम आर फेड इन टू द कंप्यूटर मेमोरी द कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एक बार हम जो डाटा है कंप्यूटर को दे दें, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दें, तो फिर कंप्यूटर वो काम खुद कर सकता है, हमें बार बार उसको करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार उसे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, वही काम कंप्यूटर खुद से करता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। ठीक है, कंप्यूटर की जहाँ कुछ फ़ायदे भी हैं, जहाँ उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जहाँ उसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, वहाँ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन खुद से जनरेट नहीं कर सकता, उसको पहले डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको पहले इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि क्या प्रोसेसिंग करनी है, तब जाकर वो इंफॉर्मेशन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसको बताना पड़ेगा। अ कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने इंस्ट्रक्शन ही रॉन्ग दी हैं तो कंप्यूटर उसको ठीक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर खुद से इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता, तो वो कंप्यूटर खुद से इंस्ट्रक्शन कैसे ठीक करेगा जब तक उसको पता ही नहीं होगा। तो उसको हमें बताना पड़ता है, जो हम बताएंगे कंप्यूटर वही करेगा। अगर हम सही बात बताएंगे, सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो वही करेगा, अगर हम गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उन्हें ही सही समझ कर करेगा, एज लॉन्ग एज जब हम खुद उसे ठीक ना करें। एंड द नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद एन ओरिजिनल डिसीशन।
लेट से हम कंप्यूटर से कोई डाटा प्रोसेस करवा रहे हैं, कोई काम करवा रहे हैं, तो हमें उसको कंडीशंस बतानी पड़ती हैं कि इन इन कंडीशंस में ये करना है। बगैर कंडीशन बताए हम कंप्यूटर से हम ये नहीं कह सकते कि जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। हमें उसको कंडीशन बतानी पड़ती है कि अगर ऐसा हो तो ये करना है, अगर ऐसा ना हो तो ये करना है। उसको सब कुछ हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके, लेकिन बगैर हमारे इंस्ट्रक्शन दिए वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, राइट डाउन द कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर इन योर नोटबुक। जो हमने यहाँ पे कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस डिस्कस की हैं, आपने उसको आंसर की फॉर्म में अपने नोटबुक में लिखना है, और बुक में भी ये टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 3 पर, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।